तो आपका सर यूट्यूब चैनल बहुत हेल्प किया था सर पे। सबसे बड़ी बात है कि फ्री है सर। अभी कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं एक LSW के। और सर आपने पूरे पूरे जितने भी चैप्टर है सर फ्री में अवेलेबल करा। और सर अमेजन प्राइम पे तो अमेजन ये किंडल पे तो बुक बुक भी फ्री है सर 1 महीने के लिए। पहला तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता पर। आपका ये कौन सा प्रयास था और किस पद के लिए आपका चयन? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मेरा इस बार सिलेक्शन PPRO में हुआ है सर। पीटी की तैयारी कैसे रही आप? कोई कोई अलग से रणनीति बनाई या कुछ और तरीका जो नए छात्रों के लिए ज्यादा उत्साहवर्धक? सर पीटी के लिए मैंने तो पहले NCERT पढ़ी थी। एक्चुअली मैं पहले रेलवे का प्रिपरेशन कर ली थी तो उस टाइम मैंने NCERT पढ़ ली थी बहुत सारी। तो जब मैं 63rd का क्वेश्चन देखी थी 63rd BPSC का तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाई थी। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको देना चाहिए BPSC। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया उसके लिए प्रिपेयर करना। तो मैंने रिसेंट एक रिवीजन के तौर पे क्योंकि मैं पहले NCERT पढ़ चुकी थी तो पूरा एक बैकग्राउंड मेरा बन गया था कि कैसे क्या स्टोरी चल रही है, कैसे कौन सा लॉ कैसे आया। तो रिसेंट एक रिवीजन के तौर पे रहा। बिहार के लिए स्पेशली मैंने इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ी थी और एक बिहार नो योर स्टेट बिहार करके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। और करंट अफेयर की प्रिपरेशन बैंकर्स अड्डा और ग्रेड अप से मैंने नहीं सर मैं किसी क्योंकि मैं बैंक में थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कोई कोचिंग करने का या फिर टेस्ट सीरीज भी मैंने कहीं ज्वाइन नहीं की थी। CBSE मैंने बताया था और GS जनरल साइंस के लिए मैं घटना चक्र का सॉल्व की थी ऑब्जेक्टिव वाला। सबसे बड़ा प्रश्न जो नई तैयारी करने वाले छात्रों के साथ रहता है तो आपने बता दिया लेकिन उसका सब्जेक्ट और मैं खुद पढ़ पाती थी क्योंकि मैं कोचिंग तो नहीं कर पाती कहीं भी इसलिए मैंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर ही लिया था मैंने। और जब 63rd का रिजल्ट 60-62 में कोई डिप्टी SP बने थे सर उनका 190 मार्क्स आया था LSW में। काफ़ी लोग बोलते कि मार्क्स नहीं मिलता तो उससे देख के और मोटिवेशन हुआ कि मार्क्स मिलेंगे आपको बस पढ़ना है। अच्छा रुपेश जी जैसे PT की तैयारी के बारे में रोहिणी जी ने बताया अगर आप कुछ उसमें जोड़ना चाहें तो। जी सर PT की तैयारी के लिए सर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सर घटना चक्र से साइंस और सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सर अच्छे से घटना चक्र को 3-4 बार मैंने सर उसे रिवीजन किया था ताकि और मेरा सर प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने सर थोड़ा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और सर इसमें सर मैंने सर बिहार जी के सर क्राउन बुक से पढ़ा था। और सर सर करेंट अफेयर के लिए मैंने सर यूट्यूब का भी हेल्प लिया था और सर कुछ मैगजीन जैसे कि एडुटेडिया हो गया सर ये सब मैगजीन मैंने पढ़ा था। बहुत अभय जी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस PT के बारे में शेयर कर पाए इन सब के अलावे या कोई अगर चैनल यूट्यूब का जो करंट अफेयर्स या इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हो। जी सर मैंने अपना खुद का स्ट्रेटजी मैंने बनाया था सर कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैं 63rd मैंने BPSC दिया था तो उसमें PT मेरा बिना ऐसे ही प्रिपरेशन में जॉब में था तो ऐसे ही हो गया और मेंस भी ऐसे ही हुआ नहीं मेंस। तो उसके बाद मैंने अब खुद का स्ट्रेटजी बनाया कि देखा कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस पर मैंने जैसे करंट अफेयर के लिए एक SPD की बुक आती है तो उस पर मैंने काम किया और क्रॉनिकल मैगजीन आती है तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि इसको पढ़िए मेंस में भी वो काम देगा। तो क्रॉनिकल मैगजीन और SPD में रेगुलर उसको करते रहा साथ साथ में मॉडर्न इंडिया में मैंने काम किया स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो स्पेक्ट्रम से मॉडर्न इंडिया को
कंप्लीट होगा, साथ साथ में एक अरिहंत को भी जैसे मैगनिक आती है तो वो रिविजन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो मैं सारे सब्जेक्ट से ऑप्शनल का चयन के बारे में जैसा कि सर पूछ भी रहे थे रोहिणी से, रोहिणी बताया अपना, आप लोग के मन में क्या है कि ऑप्शनल आपने एलएसडब्ल्यू क्यों रखा या क्यों चयन करना चाहिए एलएसडब्ल्यू का ऑप्शनल ग्रुप में? रुपेश जी बताइए। जी सर, मैं ऑप्शनल चयन करने के लिए सर तीन से चार मुख्य बातें सर ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला सर कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा है कि सर उसके लिए सब्जेक्ट मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तीसरा है कि उनके उस सब्जेक्ट के लिए सर टीचर्स एंड गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, और चौथा है कि सर उस सब्जेक्ट में बेटर मार्किंग दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो इस चारों पैरामीटर को देख करके मैंने अगर मैक्सिमम तीन पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप सर उस सब्जेक्ट का चयन कर सकते थे। तो मेरे लिए सर एलएसडब्ल्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और सर इसमें स्कोरिंग भी था तो मैंने सर इसका चयन किया था। अच्छा रोहिणी जी, ये बताइए कि मेंस की तैयारी आपने कैसे की, खास करके जीएस पेपर की? जीएस के लिए सर सबसे पहले मैंने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी बेसिक बुक्स थी टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, और जो उसमें करंट है या फिर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और साइंस उसके लिए मैंने रीजन आईएएस का मेंस किया था और नोट्स बनाई थी मैंने उन सब की। क्वालिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने प्रेफर किया था और स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, और बाकी मैं इंटरनेट पे सर्च करती थी जैसे पालार्ट हो गया तो कहीं मिल नहीं पा रहा था तो इंटरनेट पे मुझे अलग अलग सोर्सेस से मिले थे तो मैंने सबका अलग अलग एडिट करके अपना नोट्स बना लिया। तो रुपेश जी ये बताइए कि मेंस की तैयारी के लिए अपना नोट्स बनाना जीएस का, वो कहाँ तक बढ़िया रहेगा और कहाँ तक संभव हो पाता है, क्योंकि उसमें कई सारे पेपर होते हैं, क्या वो आप लोग को आसानी से नोट तैयार हो गया या कहीं एक जगह आपको लिखा हुआ ऐसा कोई नोट्स मिल गया, कैसे आपने तैयारी किया था उसका? जी सर, बीपीएससी के मेंस के लिए सर अपना स्वयं का नोट्स मिलना बहुत ही कंपलसरी जरूरी होता है सर, इससे पढ़ने में और समझने में और रिविजन करने में बहुत आसानी होता है। लेकिन सर इनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सर मार्केट में एक जगह अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए सर मैं अलग अलग सोर्स से सर पहले कंटेंट को सर प्राप्त किया, उसके बाद सर कंटेंट को पार्क करके अपने अनुसार मैंने इसका नोट्स बनाया था। जैसे कि सर मैंने इसको गूगल से हेल्प लिया, यूट्यूब से हेल्प लिया, कुछ सर रीजन आईएएस के मैगजीन से मंथली मैगजीन जो आता है सर उसका मैंने हेल्प लिया, और सर सर कुछ नोट्स भी जो था उनका मैंने हेल्प लिया सर, जैसे कि आस्था आईएएस का कुछ नोट्स मुझे मिला था, परफेक्शन आईएएस का, तो मैं उस नोट्स को पढ़ के समझ करके और जो चीज़ हमने समझ में आया तो उसी को मैंने अपने नोट्स में सर कवर अप किया, और फिर उसके बाद मैं उसको बार बार सर लिख करके रिविजन करके उसको सर कवर अप किया। अच्छा अभय जी ये बताइए कि जो नोट्स बनाना है स्टूडेंट्स को अपना, वो क्वेश्चंस के हिसाब से बनाए या टॉपिक्स के हिसाब से बनाए, जैसे कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे एक क्वेश्चन हो गया इसका नोट्स बना सकता है, या 1857 की क्रांति पर एज ए होल टॉपिक पे नोट्स बना सकता है, किस तरह से वो नोट्स बनाए तो उसको ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट्स को? नोट्स तो सर टॉपिक पे ही बनाए, क्योंकि किसी क्वेश्चन पे बनाएगा तो वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है हमेशा चेंज होकर आता है उसका, तो टॉपिक में एक होल टॉपिक रहेगा तो ज्यादा बेहतर, किसी भी जैसे 1857 हो या सहयोग आंदोलन हो तो वह एक पूरा होल टॉपिक बना लेंगे, कहीं से भी कनेक्ट करके उसको लिख सके किसी भी तरीका से आए तो। अच्छा रोहिणी आप ये बताइए करेंट्स का नोट्स आपने मेंस के लिए वो कैसे बनाया, टॉपिक्स को सेलेक्ट किया या फिर क्वेश्चंस को अपने मन से फ्रेम किया, कैसे किया करेंट्स का जो पेपर होता है उसके लिए? के लिए मैंने विजन 365 जो आता है वो हर जो क्वालिटी और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी इन्वायरमेंट सब भी आता है मैं वही पढ़ी थी, उसका मैंने नोट्स नहीं बनाया था और उसी को रिवाइज करती थी बार बार, ना उसको हाईलाइट करके रखा था आप उसको बार बार देख रहे थे। रुपेश आपने क्या किया था करेंट्स के लिए? सर मैंने क्या किया था कि सर जो विजन है इसका मंथली मैगजीन आता है उसको मैंने वहां से मैंने सर सोर्स लिया पढ़ा था, उसके अलावा सर जो टॉपिक होता है उसको मैंने सर राजसभा टीवी से जो इम्पोर्टेंट वीकली टॉपिक आता है अब मुद्दा आपका पर्सपेक्टिव इस टाइप का, तो मैंने वो सब टॉपिक को सर वहां से सुना और फिर अपने से लिखने का प्रयास किया। यानी कहने का मतलब नोट्स वो सेलेक्ट करके टॉपिक बना भी सकते हैं या उसी
नोट्स में जो विजन आईएएस या किसी भी मैगजीन की अच्छी नोट्स होती है उसमें अपना हाईलाइट करके वो कर सकते हैं, और निर्भर करता है छात्र के बिहार स्पेसिफिक ऐसा कुछ डाटा आता था तो उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक डाटा आपने इंक्लूड किया उसमें, तो फिर आपने बिहार स्पेसिफिक डाटा कहाँ से लाया उसके लिए? सर जैसे भी न्यूज मिलती थी, कभी एडिटोरियल में कुछ अच्छा जाता था या फिर जो मैगजीन्स में कभी मिल जाती थी, तो मैं या इकोनॉमिक सर्वे, तो मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उसमें से छाट के कुछ टॉपिक। अच्छा भाई जी ये बताए LSW की तैयारी आपने कैसे की ऑप्शनल पेपर की? सर LSW के लिए तो सर मैंने 63 के टाइम में मैं सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम में दे रहा था तो उसके मेरा हुआ नहीं था, तो मैं 64 के टाइम में आपका चैनल देखा था क्लियर कॉन्सेप्ट, तो उस पर वीडियो आ रहा है तो, और हिंदू वाला का बुक मैंने लिया था तो उसके माध्यम से मैंने सेल्फ नोट बनाया आपका, आप आपका डिस्कशन और हिंदू वाला की बुक, बाद में फिर आपकी बुक मैंने पढ़ी सर अच्छी बुक थी, तो सेल्फ नोट क्योंकि अभी भी है सर वही मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा सर 63 में 139 मार्क्स आए थे, 64 में 132 आए और 65th में सर 170 मार्क्स थे सर। बहुत अच्छा, आप जब आपके बुक वो मैंने पढ़ा था सर तो बहुत फायदा हुआ था सर, और सर पता नहीं क्या सर तो हो गया था। अच्छा अभी तो मार्क्स इस बार का आया नहीं है, संभवतः हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का अच्छा मार्क्स आया हो इन सब पेपर में। रुपेश जी आप कुछ बताएं LSW की तैयारी और आपको ये फिर चैनल वगैरह किस प्रकार हेल्पफुल हो पाया आपके लिए? सर सबसे पहले सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा तो वहाँ पे पूरा मटेरियल सर आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया था, तो चूंकि सर आपने हिंदी में एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या किया कि सर हिंदी में सुन करके उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया था सर आपके बातों को, फिर उससे मैंने अपना सर नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद सर आपका जो बुक है सर मैंने वो बुक को परचेज किया, फिर उस नोट्स को बार बार पढ़ करके और सर फिर जो न्यूज़पेपर से या मैगजीन से जो भी लेबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता था मैं उस डाटा को उसमें पुट अप करके और इम्प्रूव कर रहा था सर, तो आपका सर यूट्यूब चैनल बहुत हेल्प किया था सर। आपने पढ़ा था कि वो फ्री है सर, सबसे बड़ी बात है कि फ्री है सर, अभी कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं एक LSW के, और सर आपने पूरे जितने भी चैप्टर है सर फ्री में, और सर अमेजन प्राइम पे तो अमेजन ये किंडल पे तो बुक भी फ्री है सर एक महीने के लिए, कस्टमर से तो पैसा भी नहीं पड़ रहा, बहुत हेल्प है सर आपका। चलिए थैंक यू सर, बहुत हेल्प। रोहिणी जी आप LSW का आंसर राइटिंग कैसे करती थी, उसका प्रैक्टिस कैसे की? सर आंसर राइटिंग के लिए एक बार तो मैंने आपसे ही कांटेक्ट किया था कि मैं दे पाऊँ, पर टाइम की कमी के कारण मैं तहसील ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैं खुद ही लिखती थी और मेरी एक एल्डर सिस्टर है तो मैं उनसे रेक्टिफाई कराती थी। अच्छा रुपेश जी आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की थी LSW की? सर मैंने आपका सर मेन स्टेज सीरीज से ज्वाइन किया था सर, आपने मेरा सर टेस्ट लिया था तो मैं सबसे पहले सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को मैंने पढ़ा था और सभी क्वेश्चन को मैंने सर अपने आंसर फ्रेमअप कर लिया था, और फिर उसके बाद सर मैंने आपका बेस स्टेट से थोड़ा से जुड़ा था, तो फिर वहाँ से सर आपके द्वारा बहुत सारा सर हेल्प किया था। तो अभय जी आपसे हमारा ये प्रश्न था कि बच्चे मेंस की तैयारी में जो सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं उसको किस प्रकार से लिखे कि उनका बेहतर प्रेजेंटेशन हो सके, एग्जामिनर की नजर में वो कॉपी अच्छा लगे कि हाँ भाई सबसे बढ़िया उसने लिखा है, आंसर भी ज्यादा है, खास करके LSW के एंगल से आप बता सकते हैं। सर इसके लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि जो भी आंसर हो उसमें सर इंट्रोडक्शन में, क्योंकि LSW है तो जितने भी लेबर लॉ है उसमें कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो जो भी करेंट इशूज है जो कुछ बदलाव आ रहे हैं जैसे अपने न्यू लेबर कोड आया है उसको डाल सकते हैं, या पॉलिटी से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्मोलॉजी है उससे रिलेटेड करके और इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं तो वो फायदा करता है, और डिस्कस में भी सर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी खास करके अगर सोशल इशू से रिलेटेड आ गया तो वो तो फुली करेंट से रिलेटेड टॉपिक बन जाता है, और साथ साथ में जितने भी लेबर लॉ जैसे चाइल्ड बालश्रम प्रतिषेध नजदीक करके बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम हो या समान पारिश्रमिक ये सब में तो करेंट अफेयर बहुत ज्यादा है, जितने भी करेंट इशूज हैं जो भी आंकड़े चल रहे हैं बजट वगैरह में जो या तो सेंट्रल बजट में या तो बिहार बजट में डाटा मिल जाता है, तो उससे डाटा कलेक्ट करके
और बेहतर आंसर बनाया जा सकता है। इससे नंबर भी इम्प्रूव होता है क्योंकि सारे बच्चे ऐसे करते नहीं है, ये चीज करेंट इशू डालते नहीं है। तो वो मैंने किया था, तो ये मेरे लिए हमने करंट इशू डाल के एक नया एडिशन भी लाया। आप लोगों ने किसी दिन देखा है उस पुस्तक को? जी सर, मैंने पढ़ा। हेलो, कैसा आपको लगा ये सेकंड एडिशन जो हमने लाया, अगर उसमें कोई सुझाव भी हो आपके एंगल से? बहुत अच्छा है सर। बीपीएससी एलएस, अगर कोई बच्चा एलएसडब्ल्यू लेके तैयारी करता है तो उसके लिए बेस्ट है सर। कहीं जाने का जरूरत नहीं है सर, किसी और बुक का कोई आवश्यकता नहीं है, ना नोट्स वगैरह का, इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी बुक है सर। मैंने तो अभी मैं किंडल पे ही पढ़ा सर, मैं मंगवाया नहीं। रोशन प्रेस पे अवेलेबल है, हार्ड कॉपी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या ज्ञानदीप पुस्तक भंडार जो बीपीएससी के पास है वहां से भी ले सकते हैं। मैं ये पूछ रहा था, पहला मॉक इंटरव्यू तो सर काफी लोगों के सामने दिया था और मैं काफी डर गई थी। और सर से मेरी 11 बजे रात को बात हुई, सर ने बोला कि सब डरते हैं, सर ने हिम्मत दी थी और आप लोग ने ही गाइड किया था मुझे, तो मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आप लोग की गाइडेंस ही, सर ने मटेरियल भी दिया था कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और एलएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग या फिर और सबके रिगार्डिंग क्या क्या आएंगे, आप लोग ने गाइडेंस प्रोवाइड। इंटरव्यू रूम का आपका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हो? यस सर, इंटरव्यू रूम काफी ईजी था। जब कहीं मेरे से गलती भी हो रही थी तो वो लोग हेल्प कर रहे थे कि अरे ये नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं। क्यों लगता है पहले ज्यादा बेकार का डर रहता है, और काफी हेल्पफुल रहते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखे, बैठने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, और खुद में कॉन्फिडेंस रखे, जो भी बोले आपको वो कॉन्फिडेंस से बोले, और तो उससे मेरा डर खत्म हो गया था सर। मैंने सर कॉलेज में बहुत सारा मॉक इंटरव्यू दिया था, तो एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत, लेकिन सर जब इंटरव्यू मैंने गया देने तो उसमें सर थोड़ा डर से मैं कुछ चीजें भूल गया था। तो सर वो लोग बता रहे थे, तो जब सर इंटरव्यूअर जब बताते हैं तो उनको सर थोड़ा थैंक यू बोलना होता है, तो सर वो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर शो होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने सर बहुत बार थैंक यू बोला था उन्होंने जब हेल्प किया था तो, और कभी कभी सर मैं भूल भी जाता था तो वो बताते थे, और सर डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। अभय जी, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें इंटरव्यू को लेकर के बच्चों के साथ? जी सर, सर इंटरव्यू के लिए सर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था सर, लेकिन किसी कारणवश मैं दे नहीं पाया, बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से। लेकिन सर हेल्प मिला था, मैं सुनता था जो भी इंटरव्यू आप लेते थे, तो मैं हमेशा क्लास में जो मैं प्रेजेंट रहता था, तो उससे एलएसडब्ल्यू के लिए मुझे फायदा हुआ और भी जो भी क्वेश्चन आ सकते थे। और एक मैंने ऑफलाइन मॉक भी किया था, और 25th में वो मेरा इंटरव्यू था, करीबी सर का बोर्ड था सर, तो बोर्ड का जो माहौल भी था बहुत ईजी था, एक कूल माहौल था। और वो गए जाने के बाद सर वो लोग खुद कूल करते हैं, जितना भी स्ट्रेस में वो लोग बहुत ज़्यादा कूल करने के बाद अगर कोई पॉइंट वगैरह हम लोग पूछते भी हैं तो खुद हेल्प करते हैं। जैसे मैं सर बिहार का डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर बताया और आपका फूड से रिलेटेड बताया, मैं टूरिज्म घूम रहा था, मेरे माइंड से स्लिप कर रहा था, वो याद दिला रहे हैं, तो फिर उन्होंने याद दिलाया, तो सर वो हेल्प करते हैं, कभी भी वो लोग वो नहीं करता। एलएसडब्ल्यू से भी उन्होंने बेसिक ही सवाल किए थे, ज़्यादा नहीं। एलएसडब्ल्यू से क्या पूछा था उन्होंने? मुझसे पूछा गया था सर इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से पूछा गया था कि ये क्या है, और इंडस्ट्री का डिफिनेशन वगैरह पूछा गया था, और चाइल्ड लेबर जो है बाल श्रम पर जीते थे
चाइल्ड लेबर का जो रिसेंट एक्ट है उसके बारे में। आप लोगों से रोहिणी जी या रुपेश जी क्या एलएसडब्ल्यू से कोई प्रश्न आया था? जी सर, मुझसे चार पांच क्वेश्चन आया था, जिसमें पहला था सर सरकार के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, दूसरा था सर लेबर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, और था जो ट्रेड यूनियन है उनका सर पॉलिटिकल पार्टी से क्या क्या इन्फ्लुएंस है, और चौथा था सर ILO का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, और सर ये चार पाँच क्वेश्चन पूछे थे। रोहिणी जी आपसे सर 66th में तो मैं से नहीं पूछा था, लेकिन 65th में पूछा था कि अगर आप किसी प्लेस पे जाती हैं तो लेबर के बारे में आप क्या चेक करेंगे वहाँ पे, चिमनी विजिट में भी वो यही बोला था कि चिमनी विजिट पे जाती है तो आप क्या चेक करेंगे। पांडे सर आप लोग सिलेक्टेड हैं पहले से जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मुझसे सर पहले सवाल ही से शुरू हो गया सर, और जैसे गया तो चेयरमैन सर ने पहले ही पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने 2015 में कंप्लीट किया थे, 7 साल हो गए हैं अभी तक, तो मैंने बताया तो फिर उन्होंने जॉब से रिलेटेड लगभग 6-7 सवाल किए, और वो जॉब से अगर कोई जॉब कर रहा है तो बताना चाहिए, बहुत इम्प्रेस हो गया है उसके बाद जॉब से रिलेटेड बताने के बाद, तो उसका अहम रोल रहा है। और LSW से था तो वहाँ भी लेबर लॉ वगैरह से मैंने बोला वहाँ कनेक्टेड था, इसलिए मैंने LSW किया, सवाल मैंने बहुत सारे किए जॉब का बहुत। चलते चलते बच्चों के लिए आप लोग अपना अपना कुछ संदेश बताना चाहें तो, कैसे तैयारी करना है या क्या उनको तैयारी के दौरान ध्यान रखना है विशेषकर, बताइए रोहिणी जी आप बताना चाहें। सर सबसे पहले तो मोटिवेट रहे, तैयारी ना छोड़े, बीच में जो भी आप ले रहे हैं अपना मटेरियल उस पे फेथ रखें, बार बार क्या होता है कुछ लोग बार बार मटेरियल चेंज करते हैं, ये अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है, सब इक्वली ही होता है, आप उस पे फेथ रखें, उस पे कंटिन्यू करें और खुद पे बिलीव रखें, तो हम लोग कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस करें भी हो सके। रुपेश जी आप कुछ बताना चाहें? जी सर, प्रिपरेशन के दौरान सर सिलेबस के अकॉर्डिंग सर पढ़ना चाहिए, और एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ना चाहिए और रिविजन करना चाहिए ताकि सर वो ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, और सर अपने आप पर सर विश्वास रखना चाहिए और सर पॉजिटिव रहना चाहिए सर। अभय जी। जी सर, सर इसमें सर सर कंसिस्टेंट सर पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो भी स्टूडेंट है उसको पढ़ना चाहिए सर, क्योंकि ऐसा ये है कि सर कहीं ना कहीं फेलियर एक दो बार आ ही जाता है लोगों, तो अगर हिम्मत रख के अगर सही से लर्च करेगा तो कभी ना कभी उसको फाइनल बोल अचीव होगा ही, और साथ साथ में सर वो ज़्यादा कंटेंट इधर उधर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे तो या फिर मार्केट में, तो एक कंटेंट को फॉलो करें, किसी एक को करें, एक या दो हार्डली दो तीन का ग्रुप बनाएं, हार्डली से 3-4 उससे ज़्यादा नहीं, ये फायदा करता है, और डेट फ्रीज वगैरह डेली यूज करें किसी न किसी एक का, वो फायदा करेगा, और किसी भी टीचर से संपर्क कर लें जो कि। पांडे सर ओवरऑल जो ये डिस्कशन हुआ हम चाहेंगे बच्चों को इसका एक सार या जिस्ट आप अगर बता पाते तो। पहले तो मैं जरूर कहूँगा कि आज की जो डिस्कशन नए जो शंका लेके बैठते कि 12 घंटे पढ़ना है लगातार पीटी करना है, उसके लिए एक रोड मैप का ये काम करे, साथ ही साथ सब्जेक्ट का चयन जो आपने कहा ना कि 3 पैरामीटर होते हैं वो उसके लिए काम करेगा, इंटरव्यू बड़ा ईजी होता है, ये बड़ा कॉन्फिडेंस जगाने वाली लाइन रोहिणी ने कही कि घबराना नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कितनी घबराई थी, वो तो खैर जासर भी जानते हैं हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो नए जुड़ेंगे उनके लिए ये एनर्जी का काम करेगा, और आप लोगों के डिस्कशन से ये तो उनको आभास हो जाएगा कि एक लक्ष्य पर रुक कर बिजनेस करने से ही मिलेगा, बार बार गोल बदलने से आप गोल नहीं देंगे, बेहद इम्पोर्टेंट है मुझे ये लगा, अभी जा सर अपना अंतिम दे देंगे आपको, और एक बार फिर बधाई है, मैं तो मिल नहीं पाऊंगा मेरे हिस्से की मिठाई खास सबसे जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, सभी बच्चों को फिर से बधाई तो है ही हम लोगों के साथ और आगे भी रहेगी। इन लोगों में कई लोगों की इच्छा होगी कि फिर से हम तैयारी करें और भी रैंक को बेहतर करें, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर LSW के कारण मुझसे जुड़ते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि पांडे सर जो है हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अगर बच्चे किसी हिस्ट्री का किसी का पेपर हो तो पांडे सर की हिस्ट्री इतनी मज़ेदार है कि कोई बच्चा पढ़ के देखे। सार्थक अकेडमी करके इनका अपना भी यूट्यूब है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस तरह के बच्चों को आप रिफर भी कर सकते हैं पांडे सर के लिए। आप लोग जो है सो जो भी आपने अचीव किया है उसको अंतिम कभी नहीं मानिए जीवन में, क्योंकि जीवन हमेशा सीखने का वो होता है, प्रक्रिया होता है, क्रमिक विकास जो है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत जीवन के साथ बहुत अच्छे से लागू होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब तक हम अपने अंदर के स्टूडेंट को जगाए रखते हैं तब तक जिंदगी में बेहतर करते रहते हैं। जिस दिन हमें लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं या अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं, उसी दिन से हमारा पतन शुरू होता है। तो हम यही कहेंगे कि अभी तक हमने भी यही प्रयास किया कि अंदर का स्टूडेंट हमारा जगा रहे और जो कुछ अच्छा हम सीखे वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो अच्छा ही समाज में फैले। वरना समाज में आज के समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से समाज दूषित होता जा रहा है, अनेकों तरह के जो बुरे विचार हैं, ख्यालात हैं, उनको बढ़ावा देते हैं लोग। तो वैसा हम ना करें, हम भी समाज को साफ करने का एक हिस्सा बने, स्वच्छ करने का हिस्सा बने। जहाँ भी जिस पद पर जाएं, सबके अपने अपने दायित्व हैं और सबका अपना अपना महत्व है। हम अपने दायित्व का, अपने पद का, अपने महत्व का जो आपको मिलने वाला है उसका जहाँ तक हो सके, हर किसी की अपनी एक सीमा होती है, क्षमता होती है, कोई स्टैंडर्ड या कोई आदर्श लाइन नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके संभव बेहतर तरीके से हम अपना निष्पादन करें। अगर हम कुछ दिन भर में एक दो चार ही कह सकते हैं कि जो नीडी पीपुल है उनका हेल्प कर पाए, तो वही हमारे दिन भर की संतुष्टि और कमाई होती है। अब बाकी फिर प्रोग्रेस करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना, नहीं तो हर जगह आपको जॉब में भी आने के बाद हो सकता है कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाए, कई बार और चीज़ें हो जाए। तो इसीलिए हमेशा जरूरत है सीखने की और खुद को मोटिवेटेड रखने की और अच्छा करने का प्रयास करने की। चलिए, आप सबके भविष्य की हम बेहतर शुभकामना करते हैं। पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने हमारा साथ दिया है हमेशा इन अच्छे कार्यों में, अपना कीमती समय निकाला है, और आप सबको फिर से एक बार बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।